गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ बॉडी स्क्रब। कभी कभी होम रेमेडीज भी कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन लिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्लिंजर का काम करता है यह। आप डेली इसे यूज़ कर सकते हो फेस वॉश के लिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, जो कि एक माइल्ड सा स्क्रब का भी काम करता है, डी टैनिंग का भी काम करता है, और एक टोन आपका जो स्किन लाइट है वो लाइटनिंग का काम करेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ चंदन पाउडर। चंदन पाउडर ना मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअली चंदन का फेस पैक था जो कि मैंने लोकल नॉर्मल मार्केट से लिया हुआ था, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, और ये आपकी फेस को ना एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी देगा, क्योंकि चंदन में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत अच्छे से हील करता है, आपके स्कार्स वगैरह को भी फेड करने का काम करता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं यहाँ लूँगी शुगर, जो कि मैं मेनली बॉडी स्क्रब करने के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से बॉडी आपकी जो है वो स्क्रब हो जाती है, डेड स्किन पूरी निकल जाती है, आपको खुद ही फील होगा। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करना। और इसके लिए, इसको मिक्स करने के लिए जो है वो मैं लूँगी रोज़ वाटर। अगर आप रोज़ वाटर नहीं भी ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लीजिए, और फिर नॉर्मल वाटर से भी आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया था, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ वाटर को नहीं मिलाया था, थोड़ा सा बहुत थिक सा पेस्ट बनाया था, फिर नॉर्मल वाटर से मैंने उसको थोड़ा सा लाइट किया था, तो इस तरीके से मैंने यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लूँगी मॉइस्चर के लिए ग्लीसरीन। ग्लीसरीन आप मिक्स करेंगे तो आपको उसके लिए जो है वो थोड़ा सा वाटर और ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने वाटर ऐड किया था। सो यहाँ पर मैं एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी, ताकि एक मॉइस्चर वाला जो चीज़ है वो रहे उसमें मेरे पैक के अंदर, बॉडी स्क्रब के अंदर। और फिर बहुत अच्छे से मिक्स करके इस तरीके का एक बहुत ही स्मूथ सा और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। देख के तो खाने का मन करता है कभी कभी, बट बहुत अच्छे से ये डी टैन करेगा। आप अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं ना, तो वीक में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आप वीक में 2 बार भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। होम रेमेडी है, आई थिंक सबको सूट करने वाला है। अगर कोई चीज़ ऐसी है इसमें से जो आपको सूट नहीं करती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट आई थिंक कि सब के लिए ये अच्छा वर्क करेगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क करता है। सो इसके बाद हम यूज़ करेंगे फेस पे आई स्क्रब करेंगे। तो फेस पे आई स्क्रब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इसमें से मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं अभी नहा धोकर के आ गई हूँ, मैंने फेस पे सिर्फ रोज़ वाटर जो है वो एज अ टोनर लगा लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे फेस पे आइस लगा रही हूँ। तो इससे ना जो एक्सेस ऑयल होता है फेस का वो कंट्रोल होता है, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, साथ ही साथ जो आपको अगर सन बर्न हुआ है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगी। आपके फेस पे अगर पफिनेस रहती है या फिर पफिनेस है तो वो उसको हटाने में हेल्प करेगा। स्किन में एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज के ब्लड सर्कुलेशन जो है वो करता है ये। तो उसके बाद मैंने आई स्क्रब कर लिया, एंड देन फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया था, आप एलोवेरा जेल पहले यूज़ कर सकते हो, फिर जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए फिर आप आई स्क्रब कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो प्लांट बेस्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है प्लांट घर पे, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली आप मार्केट बेस्ड जो एलोवेरा जेल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप प्लांट बेस्ड अगर हो सके तो यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हम होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो मैंने अलग से कुछ भी ऐसा नहीं किया, जो भी चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल थी मैंने वही किया है। जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल है वो भी है मेरे पास, पर मेरे पास प्लांट बेस्ड है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल के अनगिनत फ़ायदे हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।